हमारा नाम है आमिर खान, हम छानवाले में रहते हैं, वाइल्ड गुड पाला। यानी कि ये रोड जो हमारा है क्या 50 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, कोई गौर इसका नहीं हुआ है। आता है, नापता है, लेता है, तो कोई वो हमें उसके लिए कोई ये काम नहीं हुआ। पाइप है पानी का, और उसके लिए भी इस ये क्या कहते हैं 3 लाख रुपया छोड़ा है। ये जो हमारा ये इधर क्या कहते हैं वो नाम नहीं आता, डीडीसी ने छोड़ा है, और सीमेंट बनाया है, मेजरेट बनाया है टैंकी रिजर्वर से यहाँ तक 3000 कोई सेफ्टी 3000 फुट आता है। उसका कोई पानी का कोई प्रॉब्लम है भी, ये मसला हल नहीं हुआ है आज तक। तो हम इसी तरह यतीम आदमी है, गरीब आदमी है, यहाँ गरीब माला है, इस गरीब माले का कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला आज तक नहीं है। कोई कितना लोग आया है और गए, कितनों ने नापा है और मेजरमेंट किया है, एस्टिमेट बनाया है, मगर वहाँ तो वो सीमेंट का कोई जवाब नहीं आया है। के वाटर वाल वाले के पास एप्लीकेशन 4 बार दिया हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है छान मालिक। अच्छा, ये इरीगेशन वालों का भी दिया हुआ है, वहाँ दिया इशफाक साहब ने लिख कर के दिया था, लेटर दिया था, वो भी उनके पास दे दिया है, वो भी दे दिया है। तो इसी तरह जब से 40 साल से हमारा जब चाचा जी, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखो, और उसके बाद बबर शहर पर बुधवार के दिन डीसी ऑफिस पहुंचना। अच्छा, तो इंशाल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला ये मसला हल करके उसके बाद। भाजपा का दावा है, बड़े बड़े दावा है, हमने रोड बनाए, पानी दिया लोगों का, तो ये बड़े बड़े दावे है, सरासर झूठ है, बाकी कुछ नहीं मैं बताऊंगा। यहां के लोगों की जो डिमांड है, यहां के लोगों की इंशाल्लाह जो इनका जेन्युइन डिमांड है, ये पहले अल्लाह ताला मसला हल करेंगे, उसके बाद बबर शहर इनका मसला हल करेंगे। मैंने उनको बताया बुधवार के दिन डीसी साहब के साथ खुद बात करूंगा, सबसे पहले अल्लाह ताला ये मसला हल करेंगे।